हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप अपने खेत की खतौनी डाउनलोड करना नहीं जानते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने खेत की खतौनी या नकल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी या अपने मोबाइल से। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहें। इस वेबसाइट पर आने के बाद देखिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें। आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे सामने पेज ओपन हो चुका है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना जनपद या ज़िला सिलेक्ट करना है। आप यहां से अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम देखिए यहां पे अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको अपनी तहसील सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको यहां पर देखिए आपके तहसील में जितने भी गाँव होंगे सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप अपने गांव को यहां से ढूंढ लेंगे इस लिस्ट से और उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपके पास यहां पर चार ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आपको खसरा नंबर या गाटा नंबर अगर पता है तो वो आप यहां पर टाइप करके खोजें पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको खसरा नंबर और गाटा नंबर नहीं पता है तो आप यहां खाता संख्या पर क्लिक करेंगे। अगर आपको खाता संख्या भी नहीं पता है तो आप खातेदार के नाम के द्वारा भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे नामांतरण दिनांक से भी आप इसको खोज सकते हैं। तो आप लोगों को इन चारों में से जो भी जानकारी पता है आप उसके अनुसार यहाँ पर फिल करके अपनी खतौनी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ खातेदार के नाम के द्वारा खतौनी डाउनलोड करेंगे, तो हम खातेदार के नाम द्वारा खोजें पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे इनका कीबोर्ड खुद ही आ गया है। आप इस कीबोर्ड का यूज करके हिंदी में नाम लिख सकते हैं। जैसा कि देखिए हम यहाँ पर नाम लिख रहे हैं सुरेश, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर खुद ही लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद आप खोजे के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो नीचे इस गाँव में जितने भी सुरेश नेम के व्यक्ति होंगे उन सभी के नेम नीचे आ जाएंगे और साथ में ही उनके फादर का नेम लिखा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर हमारी डिटेल आ चुकी है, जिसमें हमारा नाम और हमारे पिता का नाम लिखा है। तो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। इसके बाद आप इसके सामने टिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके आगे टिक करेंगे, आपके सामने देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा उद्धरण देखें। आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए इस कैप्चा को फिल करना होगा। इसके बाद आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे सामने खतौनी की नकल आ चुकी है, जिसमें सबसे पहले हमारा पूरा एड्रेस लिखा है, जिसमें हमारे गाँव का नाम, हमारा परगना, हमारी तहसील, हमारा जनपद। इसके बाद देखिए फसली वर्ष लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे खाता नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा नीचे देखिए खातेदार का नाम, पिता पति संरक्षक का नाम, उसका निवास स्थान। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी सभी डिटेल लिखी हुई आ जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका खसरा नंबर लिखा होगा। इसके बाद आपका क्षेत्रफल लिखा होगा, जो कि हेक्टेयर में लिखा होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड कोई आदेश किया गया होगा तो उसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई होगी और उसके बारे में आगे टिप्पणी लिखी होगी। तो इस तरीके से दोस्तों, आप भी अपनी खतौनी की नकल आसानी से घर बैठे मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउज़र के टॉप पर यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए आपको इस फाइल को अपने मोबाइल में
जिस भी लोकेशन में स्टोर करना है आप वहाँ पे उस फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ नीचे सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपने खतौनी की नकल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। I'm hating the slack, couple miles on the round at the hating.